जय हिंद साथियों, मैं प्रिया झा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था अपने पिछले वीडियो में कि हम तीन जो है टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। पहले टॉपिक पे जो है कि प्री और मेंस की जो है तैयारी कैसे एक कंबाइंड वे में कर सकते हैं, उस पर वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। और आज हम जो बात करेंगे वो है जनरल साइंस आप कैसे और कहाँ से कवर अप कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ है कि करंट अफेयर आप कहाँ से और कैसे तैयार कर सकते हैं, तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज बात कर लेते हैं जनरल साइंस के ऊपर। तो सबसे पहले ये देखिए कि जनरल साइंस क्या है, एक डिसिसिव रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, ना कि सिर्फ बिहार एसआई में ईएसआई में बल्कि बीपीएससी में भी। तो आप देख रहे हैं कि गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको जनरल साइंस से एग्जाम में दिख रहे हैं, तो जनरल साइंस को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो आज जो है मैं पहले आपको बिहार एसआई मेंस जो 2446 का मेंस था उसके आप पहले सैम्पल क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस कैसे हूबहू टेक्स्ट टू टेक्स्ट जो है आए हुए हैं इस बुक से, ठीक है। आप इन्हें देखिए, मैं आपके लिए रीड आउट करके चल रही हूँ। हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप नहीं है, तो आप जान लीजिए कौन सा आइसोटोप है। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। अब देखिए कॉमन सॉल्ट का जो है केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था क्या है, तो NaCl होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट रिलीज हुई थी। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि द ग्रीन लाइट प्रोड्यूस्ड वाइल बर्निंग क्रैकर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये है 66 बीपीएससी का कि मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड एज कंप्लीट फूड ड्यू टू द लैक ऑफ वाइटामिन सी एंड आयरन। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्फा टॉक्सिन्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, तो अल्फा टॉक्सिन फंगी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ था कि XXY जो है ये कंडीशन जब क्रोमोसोम्स 47 हो जाते हैं तो इस कंडीशन, इस जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इसे क्या बोलते हैं, तो इसे क्लिनफिंटर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्स्ट्रा सेलुलर DNA कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। अब एक क्वेश्चन था कि जो फंगी का सेल वॉल है वो किससे बना हुआ होता है, तो फंगी का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये क्वेश्चंस जो है, ये सारे के सारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ सैंपल्स, ये सारे के सारे लूसेंट से क्लिक किए हुए हैं फोटो, मैंने इन्हें हाईलाइट किया हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट टू टेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच किए हैं एग्जाम में, और ये लूसेंट की बुक से है क्वेश्चन सारे के सारे। तो अब आपको तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करने के लिए आपको दो बुक कवर करनी है। एक बुक है लूसेंट की, जो कंबाइंड लूसेंट की बुक है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो आपका साइंस है वो 95 to 100 पेजेस में कवर अप कर दिया गया है, ठीक है। अब इन 95 to 100 पेजेस को आपको 4 times 5 times जितने टाइम्स आप उसे रीड आउट करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि जो जो पॉइंट पहली रीडिंग में छूट गए वो दूसरी रीडिंग में कवर होंगे, दूसरी रीडिंग में जो छूट गए तीसरी रीडिंग में कवर अप हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी आप पहली रीडिंग जब करेंगे, आप जब सेकंड रीडिंग में आएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये पिछली बार ये पॉइंट्स तो छूट गए थे हमसे। तो इस तरह से क्या होगा कि आप 95 to 100 पेजेस पे अपना कमांड कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया जनरल साइंस, सिर्फ इतने में ही आपका कवर हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, जो चीज़ आपकी तैयारी को एक डिफरेंस देगा, डिफरेंस आपके और दूसरे स्टूडेंट में बनाएगा, ठीक है, वो डिफरेंस क्रिएट करता है प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब आपने जैसे लूसेंट से तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव घटना चक्र से बना लेंगे। घटना चक्र से एक्सप्लेनेटरी नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे MCQ पे आइए और जो एक्सप्लेनेशन है आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के पढ़ने हैं जिस क्वेश्चन में आपको हार्ड लगा या आपको लगा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, ठीक है। जो क्वेश्चन ना बने, जो क्वेश्चन हार्ड लगे, एक्सप्लेनेशन सिर्फ हमें उन्हीं की पढ़नी है। तो आप इस तरह से घटना चक्र को, जो साइंस की घटना चक्र ऑब्जेक्टिव की, उसको भी बना लेंगे साथ में। तो इससे क्या हो जाता है कि आप क्या है क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप लूसेंट को 95 to 100 पेजेस आपने करते गए, लेकिन आपने अगर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको एग्जाम में जो है वो आपको दिखेगा, फिर आपके जो क्वेश्चंस जो हैं कुछ आप कंफ्यूज कर जाइएगा ऑप्शंस के बीच में से। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर ली है तो आपको क्या होगा, आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, आपके दिमाग से कुछ स्किप नहीं कर पाएगा, आप इवन ऑप्शंस देख करके भी आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। लेकिन ये तभी होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना बहुत जो है बड़ा रोल प्ले करता है। और यही चीज़ देखिए, लूसेंट और क्राउन सब पढ़ लेते हैं, पर अंतर क्या लाता है, अंतर वो चीज़ लाती है जब आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं, MCQ प्रैक्टिस करते हैं, वही आपकी तैयारी को एक डिफरेंस देता है और आपको बाकी लोगों से
अलग बनाता है। तो ये हो गई बात इसकी। अब आप देखिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर 2008 से लेकर के अभी तक, चाहे वो बिहार एसआई का हो, चाहे बिहार ईएसआई का हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस है, इन सब के क्वेश्चंस को मैं आपको सब्जेक्ट वाइज जो है अरेंज करके इन पे वीडियो लेकर के आऊंगी डे टू डे करके, ठीक है। तो हो सकता है एक आध दो दिन लगे अभी पहले करंट अफेयर्स पे, क्योंकि वीडियो लानी है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्या है कि मैं हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, जनरल साइंस का, मिसलेनियस का, इन सारे क्वेश्चंस को जो है सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दूंगी 2008 से लेकर के अभी तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको उस वीडियो से काफ़ी फायदा होगा और आपको पता चलेगा कि एग्जाम्स में आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। And thanks for watching.